नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेघा के स्मार्ट गार्डन में। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं सुंदर से बटन रोज के फ्लावर के साथ। और दोस्तों बहुत ही अच्छे से ये प्लांट चल रहा है, आप देखेंगे इसकी ग्रोथ कितनी अच्छे से हो रही है। थोड़ा बारिश की वजह से ये प्लांट मेरा ख़राब हो गया था, लेकिन अब जैसे जैसे धूप निकलने लगी है ये प्लांट अपनी ग्रोथ में आ गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इस प्लांट की ग्रोथ बढ़ रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब हम नर्सरी से प्लांट खरीद के लाते हैं तो दोस्तों पैसे भी लगते हैं, और अगर प्लांट ख़राब हो जाए तो बहुत ही बुरा लगता है। तो ये प्लांट पे वापस से फ्लावरिंग शुरू भी हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये नागचंपा की कितनी सारी कलियाँ आ रही है इस छोटे से जो इसमें मैंने पॉलीथीन में लगाया था। और दोस्तों ये वही प्लांट है जो मैंने रिपोर्ट करना भी बताया था। ये प्लांट मैंने जो है कटिंग से प्लांट तैयार किया था ये। और दोस्तों कटिंग से प्लांट करने का यही फ़ायदा होता है कि उसमें जो है फ्लावरिंग जल्दी होने लग जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें फ्लावरिंग शुरू भी हो गई है। और छोटे से जो पॉट में मैंने लगाया है तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि छोटे पॉट में ये जो हार्डी प्लांट है और सालों साल बनने वाला प्लांट है तो इसमें चल पाएगा कि नहीं, लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। और मैं जल्दी ही फिर मेरे पास पॉट होगा तो मैं बड़े पॉट में रिपोर्ट कर दूंगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो गुलाब की कटिंग लगाई थी, ये पिंक गुलाब है दोस्तों, पिंक गुलाब की कटिंग मैंने यहाँ पर लगाई थी, थोड़ी छिपा रखी है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से चल रही है। और दोस्तों जो हम कटिंग लगाते हैं, एक और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए दोस्तों एक और ये गुलाब की कटिंग यहाँ पर लगी हुई है, ये भी पिंक की रोज है। और ये देखिए इसमें से पत्तियाँ निकल आई है। और ये जो आप गुलाब देख रहे हैं, ये जो नर्सरी से मैं लेके आई थी वही गुलाब है। तो इनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से हो रही है। यहाँ पर मैंने जीव ये जो बेल होती है इसकी कटिंग लगाई है, बहुत ही अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा कटिंग को चलाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि बारिश कम हो गई है और उसके साथ ही जो है बहुत ही तेज़ धूप निकल रही है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे जो रेड चेरी प्लांट है, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कीड़े लग गए हैं, तो इंसेक्ट का अटैक हो गया है। बारिश के बाद दोस्तों इंसेक्ट का अटैक होता ही है प्लांट पर, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये प्लांट कब ख़राब हो जाए पता ही नहीं चलता है। मैक्सिकन पिटोनिया में दोस्तों अभी फ्लावरिंग हो रही है मेरे यहाँ पर, क्योंकि मैंने टाइम रहते इन सब प्लांट के बीज हटा दिए थे। तो बीज हटाने के बाद दोस्तों इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। बहुत ही ज़्यादा जो ठंड होगी तब ये फूल खिलने बंद होंगे। और ये कटिंग आपको मैं दिखाती हूँ क्रोटन की, ये बहुत ही अच्छे से चल रही है। अभी मैंने इनको रिपोर्ट भी नहीं किया है क्योंकि दोस्तों मुझे इन प्लांट की वैसे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास वैसे ही तीन चार प्लांट है। ये गुलदावरी, अभी इसको भी रिपोर्ट करना है क्योंकि बहुत सारे प्लांट तो मैंने इसके रिपोर्ट कर दिए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे और करने हैं। और दोस्तों अभी जैसे दीपावली का काम भी हमारे यहाँ पर आ गया है, तो उससे जो है गार्डन की तरफ थोड़ा कम ही ध्यान जाता है। ये देखिए दोस्तों, एक प्लांट तो गोरा चोरी का मेरे बंदर पूरा ख़राब करके चले गए, और एक प्लांट मैंने अभी अभी जो पॉलीथीन में लगा रखा था उसको मैंने रिपोर्ट कर दिया है, तो उसी प्लांटर में मैंने रिपोर्ट किया है। और आपको मैं दिखाती हूँ एक और दोस्तों, ये है मेरे पास जो कॉटन जो रुई का प्लांट है दोस्तों, कॉटन का, तो इसमें ये देखिए फ्लावर बनने शुरू हो गए हैं। ये मैंने बीज से ही ग्रो किया था और इसी बारिश में ग्रो किया था दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। मैं आपको कटिंग की अपडेट भी दे देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो कटिंग लगाई थी तो ये सारी कटिंग बहुत ही अच्छे से चल रही है। देखिए दोस्तों इसकी ग्रोथ आप देखेंगे कितनी अच्छे से चल रही है। और इसके साथ ही मैं आपको एक और प्लांट दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे डिस्पोजल में लगा रखा है। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। जब फ्लावर आएंगे दोस्तों तभी मैं आपको सर्च करके बता सकती हूँ कि ये प्लांट काय का है। और इसमें पर्पल कलर के बहुत ही सुंदर फ्लावर आ रहे थे, तो मैं इसकी कटिंग लेकर आ गई थी दोस्तों। दो कटिंग में लेकर आई थी और दोनों ही कटिंग बहुत ही अच्छे चल रही है। ये देखिए दोस्तों, एक और ये कटिंग यहाँ पर लगी हुई है और इसमें से भी छोटी छोटी पत्तियाँ निकल आ गई है, मतलब मेरी जो कटिंग है सक्सेस हो गई है। इसके साथ ही ये देखिए दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चल रहा है और मुझे इसको रिपोर्ट भी करना है। और मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, गुलाब की कटिंग जो मैंने लगाई थी उसकी मैं आपको
ये देखिए दोस्तों, ये गुलाब की कटिंग मैंने लगाई थी और ये छोटे से डिस्पोजल में लगी है। और आप देखेंगे इस छोटे से गुलाब की कटिंग में छोटी सी कली भी बन गई है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम कटिंग से प्लांट तैयार करते हैं और वो अच्छे से चल जाते हैं। ये कटिंग लगाई थी दोस्तों, तो मैंने इसमें जो है हम आलू का यूज़ करते हैं, तो वो जो ख़राब आलू थे मेरे पास उसमें लगा कर मैंने इस कटिंग को लगाया था। तो दोस्तों आलू के साथ जो कच्चे आलू होते हैं उनके साथ आप कटिंग लगाइए, ये जो गुलाब की बहुत ही अच्छे से चल जाती है और बहुत ही प्यारा प्लांट है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कटिंग से मेरे गुलाब तैयार हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, गुलाब जो मैंने लगा रखे हैं उनकी जो ग्रोथ आप देखेंगे तो इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो जल्दी मैं इस पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ कि दोस्तों ये किस तरह से मैंने कौन सी खाद दी है जिससे कि मेरे जो सारे गुलाब है बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। ये देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जो बंदर पूरे ख़राब करके चले गए थे तो वापस से इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। ये स्पाइडर प्लांट है दोस्तों, स्पाइडर प्लांट की जो ये इसमें से ये निकल रहे हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है। मैं आपको इसके फ्लावर दिखाती हूँ, कितने सुंदर सुंदर इसमें से फ्लावर आ रहे हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये प्लांट। और दोस्तों कुछ कटिंग मैंने अभी लगाई है तो वो कटिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये गुलाब जो अब इनका सीजन आने वाला है दोस्तों, तो उस हिसाब से ये प्लांट ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देखिए दोस्तों, मिर्च आ रही है मेरे यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये प्लांट लगाया था, राखी बेल का प्लांट है और ये प्लांट मैंने रिपोर्ट किया है दोस्तों। और ये प्लांट तो अच्छे से चल गया है, लेकिन इसके साथ ही मैंने जो एक प्लांट और लगाया था वो प्लांट थोड़ा मेरा बारिश की वजह से ख़राब हो गया है। ये रियो प्लांट है और रियो प्लांट को मैंने जो ये देखिए इसमें नारियल में लगा रखा है। और ये कुछ कटिंग को मैंने इस तरह से लगाया है, ये देखिए छोटा सा प्लांटर मैंने लिया था और उसमें मैंने मिट्टी डालकर फिर ये जो है कटिंग लगाई है जिससे कि मॉइस्चराइजर मेंटेन रहे और जो है प्लांट मेरे कटिंग अच्छे से चल जाए। दोस्तों बहुत ही तेज़ धूप होने लग गई है तो प्लांट को चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये है मेरे काई का प्लांट है ये दोस्तों, मैं नाम थोड़े भूल जाती हूँ। ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया था और दोस्तों इतने सुंदर फूल आते हैं इसके, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये हमारे यहाँ रोड साइड पर लगे रहते हैं और लेंटाना शायद यही नाम है, लेंटाना। तो ये देखिए दोस्तों, इसके पिंक कलर भी आता है और शेडी कलर भी आता है, जो डबल कलर ऑरेंज और येलो, लेकिन मुझे यही मिला था। और दोस्तों इसकी मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी लेकिन ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो कर गया है, पूरे जो गमले को इसने कवर कर लिया है सारा। दोस्तों बहुत ही पास प्लांट रखे हैं क्योंकि जगह की बहुत ज़्यादा कमी है। और जो देखिए जितने भी मेरे गुलाब के प्लांट लगे हुए हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और दोस्तों मेरी ही नज़र लगने वाली ही बंदर आएंगे और किसी दिन पूरा ख़राब करके चले जाएंगे। इस तरह से दोस्तों बहुत ही सारे प्लांट मेरे लगे हुए हैं। अब मैं आपको ऊपर वाले टेरेस पे लेकर चलती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इस जो छोटे से प्लांटर में, ये छोटा सा प्लांटर है और इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये छोटी सी कटिंग मैंने दोस्तों इसी में लगा दी थी तो मुझे इस प्लांट को रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है और ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों छोटे छोटे प्लांटर में भी हम प्लांट लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कीपर कौन सा है ये प्लांट, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। तो ये वापस से इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है क्योंकि मैंने इसकी जो सारे पत्तियां थी और जो डेड फ्लावर हो गए थे सारे हटा दिए हैं। तो इसमें से देखिए ग्रोथ होने लगी है और वापस से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब इनमें वापस से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, इसमें तो मेरे ढेरों फ्लावर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये प्लांट मैंने रिपोर्ट कर दिया है, ये मेरे जो है मोर पंखी का प्लांट है जो मैंने बीज से ग्रो किया था। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे प्लांट है जो है, ये प्लांट है दोस्तों मेरे हल्दी का प्लांट है ये। और इसमें दोस्तों मुझे फ्लावर्स आने का इंतज़ार है तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर आपके साथ शूट करूँगी, दिखाऊँगी आपको वीडियो बनाकर। बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं हल्दी के प्लांट में। और दोस्तों एक जो गीली हल्दी आती है जिसका हम अचार बनाते हैं उसी से मैंने इसको प्लांट को तैयार किया है और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये है स्वीट पोटैटो वाइन,
और ये देखिए दोस्तों बारिश हो रही है, इसका सबूत हमारे यहाँ पर अभी भी है। ये इसमें रेनी लेली में फ्लावर खिल रहे हैं, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है गड़लिया खिल रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। जो है अब मॉस रोज में जो है फ्लावरिंग कम हो गई है, तो मैं ये प्लांट जल्दी हटा दूँगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ मेरे जो मैंने गुड़हल सॉरी इसके प्लांट तैयार किए थे। ये देखिए इतना बड़ा प्लांट है, इसमें बीच में उग गया, मुझे पता ही नहीं चला। इस तरह से ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं और जो है सारी एनर्जी खींच लेते हैं, तो टाइम टाइम से इन प्लांट को हटाते रहना है। ये है गुलदावरी, और ये देखिए दोस्तों कितनी घनी हो गई है। सारे प्लांट रिपोर्ट करने के बाद मैंने अब नई नई जो इनमें से ये देखिए नई नई ब्रांचेज निकल कर आ रही है अंदर से। तो ये मैंने बताया था आपको कि अंदर से ब्रांचेज निकल के आएगी, तो आप इनको टाइम टाइम से पिंच करते रहिए। ये देखिए दोस्तों इसमें से भी निकल कर आ रही है। अब ये आपको प्लांट दिखाती हूँ दोस्तों, ये सीडलिंग मैंने की थी जो है ठंड के प्लांट की, तो इस तरह से ये जो है निकल तो आए हैं। अब देखते हैं इनमें कितने टाइम तक ये चल पाते हैं। कुछ टमाटर है, कुछ मिर्च भी है, और ये देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब दोस्तों ये प्लांट है दोस्तों, ये वाला मेरा आप देख रहे हैं कितने जगह से काट दिया है। अब मुझे इसमें जो है नीम ऑयल का स्प्रे करना है, तो दिन भर तो इतनी तेज़ धूप होती है, और जो शाम होते से ही हमारे यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, तो किस टाइम पे मैं इसमें जो है ये फंजीसाइड या फिर नीम ऑयल का स्प्रे करूं। ये मोरपंखी के प्लांट यहाँ पर लगे हैं, ये लौकी का प्लांट मैंने बीज से ग्रो किया था। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत ढेरों ये यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों इसमें कितने अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं ये प्लांट, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए ये सारे प्लांट जो आप देख रहे हैं सारे पॉलीथीन में लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये सारे गेंदा के प्लांट हैं दोस्तों, गेंदा बहुत ही अच्छे से चलता है, अभी ठंड का फ्लावरिंग प्लांट है। और दोस्तों मेरे ये प्लांट बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है, तो पिंच करते रहिए दोस्तों, पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल लाइट पिंच कीजिए। अब बिल्कुल छोटे छोटे से जो पिंच आप करते रहेंगे, इससे क्या होगा दोस्तों कि नई नई ब्रांचेस निकल आएगी, और जो फ्लावरिंग है इसमें बहुत ही अच्छे से होगी। तो इस तरह से छोटे छोटे पिंच करते रहिए। ये यहाँ पर बहुत सारे बीज मेरे ग्रो हो गए हैं, इनको मुझे हटाना है। इसमें से एक दो मैं बीज रखूँगी, एक दो प्लांट रखूँगी, और उसके बाद दोस्तों मेरे यहाँ पर चींटियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया है, इतनी चींटियाँ हो गई है। तो मैं जल्दी ही थोड़ा सा इस इनमें जो है जो दालचीनी पाउडर आता है उनका स्प्रे करूँगी, उनका घोल बनाकर। तो दोस्तों उससे क्या होगी, चींटियाँ सारी मेरी चली जाएगी, और जो चींटियों को है वो भी बिल्कुल हार्म नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगी वो। तो इस तरह से दोस्तों जो है हम देसी चीज़ों का उपयोग करते रहेंगे, तो हमारे जो प्लांट है अच्छे से चलते रहेंगे। ऑर्गेनिक चीज़ें दोस्तों बहुत नाम भूल जाती हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से। तो इस तरह से जो है मेरा गार्डन तैयार हो रहा है।